राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश दिया था कि तत्काल सरकारी व प्राइवेट स्कूलों की ऑनलाइन प्राइमरी क्लास पर रोक लगा दी जाए, जो भी इसका पालन नहीं करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मगर कुछ प्राइवेट स्कूल इस आदेश का पालन करते नहीं दिखे और आदेश की अवहेलना करते हुए अभी भी लगातार ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं। निजी स्कूलों द्वारा प्राइमरी के छोटे बच्चों में मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई कराने से कई शिकायतें मिल रही थीं। इस वजह से तत्काल ऑनलाइन क्लास पर राज्य शिक्षा केंद्र ने रोक लगा दी थी। आज पूरा देश में कोरोना वायरस की वजह से सरकारी और निजी सभी स्कूल बंद पड़े हैं। ऐसे में बहुत से स्कूल बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश के शासन शिक्षा विभाग ने आदेश पारित कर कहा है कि सभी स्कूली बच्चे, चाहे वे सरकारी हों या प्राइवेट, कक्षा 5 तक के किसी भी प्रकार की ऑनलाइन शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया है और यदि कोई संस्था इस आदेश का पालन नहीं करती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूल की मान्यता भी खत्म की जा सकती है। पर ऐसे में टीकमगढ़ शहर में संचालित पुष्पा हाई स्कूल शासन के नियमों की अनदेखी कर प्राइमरी के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे रहा है और इस एवज में अभिभावकों से मोटी रकम वसूली जा रही है। अभिभावकों ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि हमारे बच्चों को हमें जबरदस्ती एंड्रॉइड मोबाइल देना पड़ रहा है और नेट बैलेंस भी डलवाना पड़ता है, जिससे बच्चों की स्कूल के द्वारा थोपी जा रही ऑनलाइन पढ़ाई हो सके। स्कूल पहले से भी शासन के नियमों की अनदेखी करता आ रहा है। यहाँ पर ड्रेस और किताबों के बदलने का प्रचलन भी काफी है और स्कूल को मोटा कमीशन भी मिलता है। जब पुष्पा स्कूल के प्रचार से संपर्क करने की कोशिश की गई थी, कोई भी सामने नहीं आया। इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ हर्षित पंचोली से बात की गई तो उन्होंने जानकारी हासिल कर कार्रवाई करने की बात कही। इसमें आपके मेरे नॉलेज में ये चीज आई थी, फीस अधिक वसूलने की बात सामने आई। इसमें दो स्कूल के अपने नाम बताए, दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में जाकर जाँच करेंगे और अगर जो आप बता रहे हो सकते हैं तो उन पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।